जोधपुर शहर बड़े गैंगवार से बच गया है। अगर पुलिस की कार्रवाई में एक छोटा सा अपराधी बाबू सिंह ठाकरिया नहीं पकड़ा जाता तो अब तक जोधपुर में बड़ा गैंगवार होता और ये गैंगवार कैलाश मांझू को मारने के लिए भीलवाड़ा में कांस्टेबल की हत्या प्रकरण के मुख्य आरोपी राजू फौजी द्वारा किया जाता। राजू फौजू को जोधपुर के ही स्ट्रीट शूटर दिनेश बम्बाणी और विक्रम सिंह दानिया ने मिलकर 80 लाख रुपये में मारने की सुपारी दी थी, लेकिन भीलवाड़ा पुलिस व जोधपुर पुलिस की सतर्कता के चलते ये प्रकरण नहीं हो पाया और आखिरकार पुलिस ने सुपारी देने वालों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें सुभाष कड़वा साहब भी गिरफ्तार हुआ है जिसका आरएलपी पार्टी से संबंध है। जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो कई नेता भी यहाँ पहुँचे, हालांकि बाद में सब ने इससे संबंध होने से इनकार कर दिया। पुलिस की टीमें लगातार इन चारों आरोपी से पूछताछ कर रही है जिससे कि राजू फौजी तक पहुँचा जा सके। भीलवाड़ा में जो दो कांस्टेबल की विगत माह में पिछले 3-4 माह पहले हत्या हुई थी, उस संबंध में जो एक टीम गठित की हुई है अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए, वो जोधपुर आई हुई थी। जोधपुर में उन्होंने जब लोगों से पूछताछ शुरू करी तो ये तथ्य सामने आया कि जोधपुर में दो लोगों में पुरानी रंजिश चली आ रही है। एक तरफ कैलाश मांझू और उसके लोग हैं, दूसरी तरफ दिनेश बम्बानी और विक्रम नांदिया ये लोग हैं। इनके आपस में पूर्व में भी कई बार मुकदमेबाजी, यहाँ तक कि फायरिंग हो रखी है। तो एक गुट ने कैलाश मांझू की हत्या के लिए राजू फौजी, जो अभियुक्त है भीलवाड़ा प्रकरण में मेन अभियुक्त है, उसको कैलाश मांझू को की हत्या के लिए 80 लाख रुपए में सुपारी दी थी या ठेका दिया था, जिसकी एवज में लगभग 40 लाख रुपए इन लोगों ने इकट्ठे भी कर दिए थे तथा 40 लाख रुपए काम होने के बाद देना तय हुआ था। इस प्रकरण में आगे बढ़ते हुए भीलवाड़ा पुलिस के सहयोग से आज 4 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक दिनेश बम्बानी हैं, दूसरा है सुभाष कड़वासरा और 2 मनोहर सिंह नाम के व्यक्ति हैं। एक भिंडियाना गांव के रहने वाले हैं, एक आकेली गांव के रहने वाले हैं। इसमें और अभियुक्त शामिल हैं जिनकी तलाश सरगर्मी से की जा रही है, जल्दी सफलता मिलने की संभावना है। 40 लाख रुपये सुभाष कड़वासरा जिसके पास रखवाने की बात कही गई, ये जो 40 लाख रुपये इनके पास जमे थे जिसमें से 15 लाख रुपये ये दिनेश बम्बाणी से लेते हैं और 25 लाख रुपये एक लवजीत सिंह करके हैं, लवजीत सिंह जो राणा राजपूत है उसके पास ये व्यवस्था करते हैं। तो 40 लाख रुपये जो मनोहर सिंह भिंडियाना है ये अपने पास रखता है, क्योंकि उसी दरमियान जो मनोहर सिंह अठेली ये पकड़ा जाता है पुलिस की रेड में, ये बात करीब करीब इन सबको पता चल जाती है। तो ये आनंद फानंद के अंदर 15 लाख रुपये वापस उसी को, जो दिनेश बम्बाणी उसको लौटा देते हैं और 25 लाख रुपये लवजीत सिंह को लौटा देते हैं। लवजीत सिंह की अभी हम तलाश कर रहे हैं, लवजीत सिंह की तलाश करने के बाद डिसाइड होगा, जिसकी हमने एक FIR चौपासनी हसू मोड़ थाने में दी है और अधिकारी को निर्देश में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। इस मामले में पुलिस ने आज पूरे दिन कार्रवाई की और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें जोधपुर पुलिस व भीलवाड़ा पुलिस दोनों शामिल थी। इन चारों के अलावा पुलिस को विक्रम सिंह नांदिया व लवजीत सिंह की गिरफ्तारी का इंतजार है, जिसको लेकर टीमें लगातार दबिश दे रही है। विक्रम सिंह नांदिया पर इसी साल शिवरात्रि के दिन कैलाश मांझू के भतीजे द्वारा हमला किया गया था, जिसको लेकर दोनों में दुश्मनी हो गई और कैलाश मांझू को ठिकाना लगाने के लिए सुपारी दी गई। कैलाश मांझू इन दिनों पैरोल पर रिहा हो रखा है। मनोज वर्मा, ETV भारत, जोधपुर।